hello children welcome back to extra class with uh, arun mandal children today we are going to discuss your lesson number twenty-first, 21, 21 phrases and clauses from your book collins english grammar and compositions okay already i uploaded uh, up to 20 chapter you can check it from the playlist of your class all link is given in the descriptions one more thing if you like the video please hit the like button as well as subscribe the channel

ओके okay, uh, लेकिन इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेसिस क्या होती है एंड क्लोजेस क्या होते हैं फ्रेसिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होती है जो सेंस बनाती है लेकिन कम्प्लीट सेंस नहीं बनाती है कम्प्लीट मीनिंग नहीं बनाती है क्लोजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कम्प्लीट सेंस एंड इट इज़ हैविंग अ वर्ब ऑल्सो ओके इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लियरली लेकिन इसके पहले हम लोग लेफ्ट uh, राइट right के जो सिक्स क्वेश्चन इसको देख लेते हैं क्या करना है आपको इसमें अंडरलाइन करने सब्जेक्ट को और वर्ब को uh, साथ ही वर्ब को सो द किंग वाज अ गुड रूलर जो किंग था बहुत ही अच्छा रूलर था सो द किंग आपका सब्जेक्ट है क्यों सब्जेक्ट है क्योंकि किंग के बारे में बात कर रहे हैं राइट द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन इन एनी सेंटेंस और वॉज आपका वर्ब है ठीक है और हरीश आपका क्या है सब्जेक्ट है क्लाइम आपका वर्ब है ऑन अ टेबल ऑन अ टेबल कुछ यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट या व नहीं है नंबर फोर आवर टीचर इज़ वेरी काइंड आवर टीचर आपका सब्जेक्ट इज़ आपका वर्व अ काइंड मैन अ काइंड मैन यहाँ पर आपका कुछ नहीं है मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब मैरी आपका क्या है सब्जेक्ट है और हैज़ आपका वर्व है. ठीक है डोन्ट नोटिस दैट सम ग्रुप ऑफ वर्ड डिन नॉट है व कुछ सेंटेंस uh, uh, में क्या है ना ही सब्जेक्ट है ना ही वव है जैसे थर्ड वन में हो गया और फिफ्थ वन में हो गया देख सकते हैं आप इसके बारे में बारे में हम लोग आगे बात करेंगे देखते हैं क्या है लुक एट दिस सेंटेंस इस सेंटेंस को आप देख लो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क इन सेंटेंस द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फ्रॉम ए कम्प्लीट सेंटेंस एक कम्प्लीट सेंटेंस है इसका पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट भी है द चिल्ड्रेन एंड आर प्लेइंग इन द पार्क ये आपका वव भी है इसमें ठीक है सो so, इसमें इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है राइट सो फ्रेसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब ऑफ इट्स ओन इसमें इसका खुद का वर्ब नहीं होता और कभी कभी इसके सब्जेक्ट भी नहीं हुआ करते हैं देन ये फ्रेसेस हो सकती है राइट एंड क्लोजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एज वेल एज द वर्ब एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इट कैन आल्सो बी अ सेंटेंस ऑफ इट्स ओन कभी कभी खुद से भी सेंटेंस बना सकती है देखते हैं आगे क्या है मैन एंड सब ऑर्डिनेट क्लोजेज सब ऑर्डिनेट क्लोजेस और मैन क्लोजेस क्या होती है मैन क्लोजेस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्व ऑफ इट्स मेन ऑन कंप्लीट इट्स ओन एंड देयर फॉर इट इज अलोजेस ऑफ अन्टेंस ठीक है आगे देखते हैं कंप्लीट सेंस ऑफ इट्स ओन सो इट्स देर फॉर अ मैन क्लोजेस ऑफ अ सेंटेंस इसके खुद का सब्जेक्ट uh, होता है और इसमें भब भी भब भी होती है साथ ही कंप्लीट सेंस बनाती है इसलिए मेन क्लोजेस होती है जो सब ओर्डिनेट क्लोजेज होती है वो क्या होती है इट्स डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस राइट ये जो सेंटेंस होती है दूसरे पार्ट पर कंबाइन होती है और ये दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होती है दैट्स वाई इट इज सब ऑर्डिनेट क्लोजेस वन थिंग फॉर एग्जाम्पल द प्ले ग्राउंड इज मडी बिकॉज इट इज़ रेन लास्ट नाइट बिकॉज इट रेन लास्ट नाइट अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या है सब ऑर्डिनेट क्लोजेज है क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पर या दूसरे पर डिपेंड है द प्ले ग्राउंड इज मडी बिकॉज इसमें लगा हुआ दट इट इज़ सब ऑर्डिनेट क्लोज द प्ले ग्राउंड इज मडी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको आप इसको मेन क्लोजे बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ अगर हम लोग कोई दूसरा सेंटेंस है ना भी करें तो फिर भी एक सेंटेंस बन सकती है सो so, इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं ये पार्ट ये पार्ट में क्या है आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेसन चाहिए तो आप एक बार देख लें और कमेंट सेक्शन में मैं करें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बड़ी बन जाती है फिर आपकी कमेंट सेक्शन भर जाती है कमेंट से सर ट्राई टू मेक अस शॉर्ट वीडियो सो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ जितना शॉर्ट में वीडियो बने उतना अच्छा है और इससे जो मेन पार्ट है मैं उसी उसी को एक्सप्लेन करता हूँ देखते हैं इसमें क्या है मैच द सेंटेंस हैव इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस एंड मेक मार्क पी फॉर फ्रेसिस एंड सी फॉर क्लोजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको इसको मैच करना है मैच करना है देखते हैं कैसे मैच होगा ओके लाइक फर्स्ट वन सी ओर ड्रेस सी ओर ड्रेस आप इसको किसके साथ मैच करेंगे मेड ऑफ सिल्क ई पार्ट्स के साथ मैच करेंगे? E करेंगे और क्या हो गया फ्रेसिस हो गया सी और ए ड्रेस मेड ऑफ़ सिल्क राइट right, फ्रेजेस हो गया कंप्लीट सेंस नहीं है इसलिए इस है, हम लोग इसको क्लोज नहीं लिखेंगे यू विल डू वेल यू विल डू वेल इफ़ यू वर्क हार्ड अगर आप हार्ड वर्क करोगे सी पार्ट के साथ मैच करेंगे और ये क्या हो गया क्लोजेज हो गया ठीक है राजू लिव इन ए हाउस राजू लिविन अ हाउस बिल्ड ऑफ स्टोन जो स्टोन से बनी हुई है ठीक है सो इसको देखते हैं बिल्ड ऑफ स्टोन ये आपका मैच हो गया थर्ड पार्ट से और ये क्या हो गया फ्रेसेस हो गया ठीक है नेक्स्ट एस उन एज आई सो द स्नैक एस एज आई सो द स्नैक रन अवे मैं दौड़ के भाग गया ये आपका क्या हो गया आई रन अवे एक क्लोजेस हो गया दे आर वेर नो कार्स यहाँ पर कोई कार नहीं है इन दोज डेज इन दोज डेज ये आपका इसमें मैच हो जाएगा और ये आपका हो गया फ्रेसेस ठीक है आगे देखते हैं आई वेंट टू सी आई वेंट टू सी वट हैड हैपन आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपन ठीक है वट हैड हैपन यह आपका क्या हो गया क्लोजेज हो गया दिस इज द हाउस दिस इज द हाउस वेर माई फ्रेंड लीव वेर माई फ्रेंड लीव यह आपका क्या हो गया क्लोजेज हो गया ठीक है क्लीन योर रूम अपना रूम आप क्लीन करो क्लीन योर रूम बिफोर यू गो आउट टू प्ले बिफोर यू गो आउट टू प्ले ठीक है ये आपका क्या हो गया क्लोजेज हो गया नेक्स्ट आगे देखते हैं नाइन नंबर ही लेफ्ट होम ही लेफ्ट होम ऑफ नॉट नॉट लॉन्ग एगो ऑफ नॉट लॉन्ग एगो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया फ्रेसिस हो गया आई प्ले क्रिकेट आई प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर विथ माई ब्रदर आपका कौन सा सेंटेंस हो गया फ्रेसेस हो गया ठीक है यहाँ पर आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाती है आगे देखते हैं बी पार्ट बी पार्ट हमें करना क्या है क्लियर करते हैं पहले ठीक है ओके बॉय इज चेज दैट हैज देट दिस सो सेंटेंस है रिअरेंज करनी है और क्लोजेस को अंडरलाइन करनी है दिस इज द बॉय हु चेज द थीव दिस इज द बॉय दिस इज द बॉय हु, यस हु चेज दैट थीव सी एच ए एस इ चेज दैट I E F एफ T H I E F थी और हु चेज द थीफ ये आपका क्या करना अंडरलाइन करनी है ओके नेक्स्ट नंबर सेकंड फॉक्स हाउस केम व्हिच कोच दे आवर इनटू दे कोच द फॉक्स व्हिच कम इनटू आवर हाउस They coach, coach uh, the fox, the fox, which come into our house, which come into our house, ticket, okay? which come into our house. हुच कम इन टू आवर हाउस इट इज योर क्या है क्लोजेज ठीक है आगे देखते हैं नंबर थर्ड स्वेटर ही बिकॉज ही इज फील वेरिंग कोल्ड ही इसको अरेंज करेंगे ही इज विंग ए स्वेटर ही इज वैरिंग W E I N G wearing a sweater. Sweater. He is wearing a sweater because he feels cold. Because he feels cold. Because he feels cold. So because he feels cold, आपको क्या करना underline अंडरलाइन करनी है ठीक है रेस्ट आगे देखते हैं हम लो. रोड इट्स हंटर्स द सो द वन the ओके द the when रोड वैन वैन सो दंटर्स द लोन एल आई ओ एन लोन रोड आर ओ आर e d रोड द lion रोड आगे देखते हैं द लॉयन रोड वैन सो द हंटर्स वैन एस ए डब्ल्यू सो दंटर्स वैन सो दंटर्स ये आपको क्या करनी है अंडरलाइन करनी है आगे देखते हैं नंबर फाइव द फ्लावर पॉट ब्रॉक वैन इट फॉल द फ्लावर पॉट ब्रॉक द फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर पॉट ब्रॉक बी आर ओ के ए ब्रॉक the flower pot broke when it fell when it fell when it fell f e l l fell इसको हम लोग क्या करेंगे फुल स्टॉप डालेंगे when it fell और when it fell को आपको अंडरलाइन करनी है ठीक है आगे देखते हैं नंबर 6 uh, he smiled he smiled s m i l e d he smiled when he heard the good news when he heard h e a r d heard the good news good news n e w s news good news when he heard good news आपको क्या करनी है underline करनी है आगे देखते हैं हम लोग Number seven, uh, second last, uh, won all race Rita when she uh, cheered uh, with the so we all cheered. We so W E okay, we all cheered C H E A R E D cheered double E C H double -E okay. Uh, when Rita won the race, when Rita R I. रीता वन द रेस वन द रेस ठीक है रेस सो वन रीता वन द रेस इट इज योर अंडरलाइन ये आपका अंडरलाइन करनी है क्लोजेस की वजह से आगे देखते हैं जो है सेंटेंस लास्ट सेंटेंस द लिटिल गर्ल रन द लिटिल एल आई डबल लिटिल गर्ल रन द लिटिल गर्ल रन बिकॉज अ डॉग चेज और बिकॉज डॉग chased c h a एस e d chased her ठीक है फुल स्टॉप है बिकॉज अ डॉग चेज्ड और ये आपको क्या करनी है अंडरलाइन करनी है हो गया यहाँ तक कंप्लीट है पूरा आगे देखते हैं डोंट फॉरवर्ड ए फ्रेसिज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट और ए वर्ब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा क्लोजेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब राइट इस तरह से जो चार पाँच पॉइंट है आप देख लेना और लेटेस्ट राइट में देखते हैं क्या है लेटेस्ट राइट में यूज फ्रेसिस एवरी ईयर एवरी ईयर वी गो टू वेकेसन ऐसे लिख सकते हो आप इट स्टार्ट रेनिंग ऑल ऑफ ए सडेन बारिश होना है लगा

आगे देखते हैं बी पार्ट में यूज दिस क्लोजेज टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ योर ओन ओके यू मस्ट लिसन केयरफुली केयरफुली टू व्हाट ही इज़ यू इफ़ यू विल बी एट होम टू मोरो सो आपको देखना है इसको क्या करना प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू विल बी एट होम टू ओके थॉट ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट थो ही इज़ पुअर वैन यू ग्रो अप वैन यू ग्रो अप देखते हैं वैन यू ग्रो अप यू विल सियोरली बिकम अ डॉक्टर यू विल सियोरली बिकम अ डॉक्टर वैन यू ग्रो अप ठीक है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड इसको क्या कैसे करना यू विल फेल टेस्ट इन टेस्ट इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड इफ यू फेल इन टेस्ट इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड ठीक है नंबर सिक्स देखते हैं दैट आई वॉज रॉन्ग ओके आई मस्ट कन्फेस दैट आई वॉज रॉन्ग आई मस्ट कन्फेस दैट आई वॉज रॉन्ग ये कम्प्लीट हो जाती है आगे देखते हैं हम लोग बी पार्ट यहाँ तक कंप्लीट है ठीक है सो चिल्ड्रन दिस इज़ कंप्लीट लेसन आई होप यू अंडरस्टूड टू वेल इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ एनी डिफिकल्टीज और एनी काइंड ऑफ एनी कन्फ्यूजन प्लीज मैंसन इन कमेंट बॉक्स आई विल let you know uh, and if you want to another chapter please mention in comment box that particular cool chapter is going to upload very soon till then be happy see you again in the next class thank you